आज मैं एक पांच मुख्य रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। क्या शक्तिशाली है और कैसे एक व्यक्ति को प्राण बचाया है, तो ये यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि आज से 20-21 साल पहले की ये घटना है। मेरा फादर आर्मी का एक गाड़ी का डिपो होता है, उसमें सर्विस करते थे, और मैं भी एक MES आर्मी का ही है, MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में सिविल पोस्ट में काम करता था। तो मेरे फादर को अचानक ऐसा बीमारी हुआ कि पेशाब भी बंद हो गया, तो डॉक्टर के पास दिखाया गया, तो उसने पाइप लगा दिया, एक थैली लगा दी, उसी में पेशाब करते थे, बाद में जो ऐसे होता है वो गिराते थे। ऐसे होते होते 2 महीने के बाद में इतना लाचार हो गए हो, तो आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया, पानागढ़, वेस्ट बंगाल में है, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। तो काफ़ी वो लोग हेल्प किया, वहाँ से वो लोग ट्रीटमेंट जो करना था संभव था वो किया। ऑन द टाइम में जब देखा कि नहीं होगा तो लोग रेफर किया वर्धमान मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पर ट्रीटमेंट कराते थे, जाते थे 7-8 दिन, फिर डिस्चार्ज, फिर जाते थे। ऐसा करते करते महीना दिन बीत गया। उस टाइम वहाँ का एक डॉक्टर थे कान्हाई बनर्जी, यूरोलॉजी जो पेशाब वगैरह का संबंधित रोग का विशेषज्ञ होते हैं वो थे। तो उन्होंने बताया कि देखो ये तो काफ़ी दिन हो गया, आप ऐसा करो कि भेलूर ले जा और 90 दिन तक को कुछ खाना नहीं खाया थे, सिर्फ गोल कुछ का पानी पिलाया जाता था, मेरा वाइफ पिलाती थी 3 टाइम 4 टाइम, उसी में वो जिंदा थे। वो पहले टाइम में वो पालो कुश्ती करते थे, आर्मी में थे, उसके बाद रिटायर होकर फिर आर्मी विभाग में ही आए, वो सिविल पोस्ट में। तो लाचार हो गए, तो लास्ट में हम लोग डिस्चार्ज करा कर लाए, उस टाइम पैसा भी कम था, तो ट्रेन से आए, जिस बोगी में बैठाया था हम लोग, वहाँ का आसपास का लोग गंदगी से भाग जाता था, इतना गंदगी बदबू शरीर से निकलता था। किस तरह एनीवे घर लाए, घर यानी कि क्वार्टर में, तो 3-4 दिन रखा। उसके बाद में हम लोग समझ गए थे भेलू ले जाने का फायदा नहीं, उस टाइम में तो पेमेंट भी 600-700 रुपये मिलता था काट कूट के। मेरे भाई को उसी पीछे गांव से बुला लिया, वो भी देखा 2 दिन था, बोला कि हम जा रहे हैं अब काम क्रिया की तैयारी करते हैं गांव में चलकर। इसी दरमियान एक साधु बाबा आया गिरुआ बहुत पहले हुए नाटक कद का, वो कुछ बात करना चाह रहे थे मेरे फादर से, लेकिन उनको तो बोला जाता ही नहीं था। तो जाते टाइम झोली से एक रुद्राक्ष 5 मुखी उनका तकिया के नीचे उन्होंने रख दिया साधु बाबा। हम उस टाइम था नहीं, काम में ड्यूटी गया था। जब आया तो पता चला, मेरा वाइफ बोली कि मैं तो भिक्षा लेकर देने आया, तो बाबा तब तक चले गए थे। तो 2-3 दिन का बाद में मेरा एक फूफा का लड़का था, नाम था कृष्णा ठाकुर, वो जाता था गांव में पैरलेस का एजेंट था, वो आया मुलाकात करने, रोड में ही था वो, मेरा जो रहते थे। तो वो बोला कि मामी, मेरा वाइफ को, आप ऐसा करो, ये तो 2-4 दिन का मेहमान है, गोलकुच तो 3 महीना पिला के बचाया, इनको थोड़ा चाना का सत्तू पिलाओ चम्मच। बोल गो चला गया गांव में अपना काम में। तो मैं सत्तू लाया, मेरा वाइफ चम्मच से पिलाना शुरू कर दिया। ये कब का बात है, जब रुद्राक्ष साधु बाबा देकर तकिया का नीचे रख कर चले गए थे, 3 दिन पिलाने के बाद में तो बोल खाना मांगने लगे, भात दो, रोटी दो, ऐसे कर 4-5 दिन के बाद बोलते हमको मटन उन खाते नहीं, तो बोलते हमको मटन खाना है। फिर बाजार से लाया 2-3 पीस खिलाया रोटी भात मिलाकर। तो मैं काम जब आता था ड्यूटी से, तो उनके बाद
चेक करता था। तो मन में सोच रहा है शायद ये आखिरी टाइम मरने का, इसीलिए इच्छा का फांसी जैसे होता है तो इच्छा पूछा जाता है, वैसा ही कुछ हुआ है। खैर ऐसा होते होते सातवां दिन उठ कर चलने लगे हो, चमत्कार है। लाठी एक डंडा था लेकर के रंगते रंगते चलते थे। पैखाना तो 3 महीना हुआ नहीं क्योंकि पेट में तो कोई था नहीं। 1 चम्मच 1.5 चम्मच 24 घंटा पेशाब होता था ग्लूकोज का पानी का। तो 10 दिन के बाद में वो चलने लगे, डंडा लेकर चल एक साइकिल लेकर के ठेंकते ठेंकते चले गए ऑफिस। 2 किलोमीटर उनका ऑफिस जो CVD उस टाइम में हुआ करता था, सेंट्रल व्हीकल डिपो, अभी छोटा हो गया। तो गाड़ी आता है वहाँ आर्मी का, वही काम करते थे। गए तो चपरासी देखा, बोले ये रे तो मारा हुआ आदमी आगे भूत भूत चिल्लाने लगा। जो सभी ऑफिस का लेडीज कुछ क्लर्क थी, कुछ आर्मी का फौजी सहलदार सूबेदार थे, तुरंत खबर गया। अफसर कमांडिंग कोई कर्नल थे, वो भी आ गए। ऑफिस उनका दूर होता है 20-25 मीटर दूर, वो भी आ गए। सभी अचंभित, ये हुआ क्या चमत्कार, ये तो कई दिन आगे देख के आया था, 10 दिन पहले तो मरण सज्जा पर आदमी थे। खैर बोला कि देखिए आपको तो पेमेंट 3 महीना से घर में भेज देता हूँ, आपको आने का कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। ऐसा करो आप जीपसी एक जीप था आर्मी का, उसमें बैठाया, साइकिल लोड किया, ड्राइवर को बोला कि इनका क्वार्टर छोड़ दो और आना नहीं, पेमेंट ठीक टाइम से पहुंच जाएगा, जब पूरा तंदुरुस्त हो जाएगा तो आना, तब उसके बाद आना। लास्ट में ऐसा हुआ कि ऐसे देखते देखते 2 महीना में वो तो पूरा फुर्तीबाज हो गए, साइकिल चलाना शुरू कर दिया। इसी दरमियान उनका पोस्टिंग आ गया देहरादून का, क्योंकि ऊपर का रिकॉर्ड तो जानता नहीं कौन बीमार है कौन अच्छा है कौन क्या है। पोस्टिंग आ गया तो जाना ही है, अगर नौकरी करना है तो गए। जाने के बाद में वहाँ से आए, 1 महीना का छुट्टी लेकर आए हो तो एकदम फुल तंदुरुस्त, किटनी मिटनी आगे कन्हई बनर्जी जो वर्धमान हॉस्पिटल के थे डॉक्टर कन्हई बनर्जी, उसे बोल दिया दोनों किडनी फेल है, कोई इसमें कुछ नहीं है। तो हम ऐसे ही सोच रहा था कि जिसका दोनों किडनी फेल है फेल्योर है वो क्या करेगा और बचेगा ही नहीं। तो देहरादून से वो आए गांव, अगर हमें चिट्ठी भेजे, उस टाइम फोन फोन था नहीं कि मेरा ऑपरेशन होगा सरकारी हॉस्पिटल बेतिया, एक है चंपारण में बेतिया हॉस्पिटल। तो हम गए, जब तक उनका ऑपरेशन हो गया था यहाँ वर्धमान में बोला था 10,000 लगेगा, वहाँ 800 में हो गया। गए हम तब तक ऑपरेशन हो गया था, फिर गांव गए उनको लेकर, गांव में रख करके हम वापस पानागढ़ आ गया वेस्ट बंगाल में। अब वो फिर चले गए कहाँ, उनके यहाँ उनका पोस्टिंग हुआ था देहरादून। तो जाते जाते वो एक चिट्ठी भेजे कि आप लोग आओ परिवार के साथ में, क्योंकि यहाँ बहुत रमणीय जगह है, बहुत सुंदर जगह है, मानसा देवी का मंदिर है, सहस्त्रधारा है, मंसूरी है और बहुत काफ़ी है। और ठीक है, मैं टिकट कटाया रेलवे से जाकर उतरा सहारनपुर, क्योंकि वहाँ का टिकट नहीं मिला, वो बस से बाई बस गया। तो रहा एक भाड़ा झोंपड़ी टाइप का घर था, कोई मारवाड़ी का क्वार्टर नहीं मिला था उनको, तो रहना लगा। घूमते थे कहीं आसपास में 10-20 किलोमीटर, मंसूरी सहस्त्रधारा वो मनसा मंदिर सब घूमा। तो अचानक अब मेरा रिजर्वेशन कन्फर्म हो गया था, 5-6 दिन और टाइम था। तो हम लोग चले एक दिन हरिद्वार घूमते हैं, अचानक प्रोग्राम बना हरिद्वार गए हम लोग। आर्मी कैंप के भीतर से ही बस जाता था देहरादून के कैंट से, गए हरिद्वार में नहाए धोए वहाँ पौड़ी घाट में, तो पानी है नहीं तो बर्फ़ है, लगता है पाँव गल जाएगा। जो भी हो नहा करके घाट जो हो है वो वहाँ पर एक साधु बाबा का अर्जुन गाय था, छोटा मोटा पड़ा हुआ, वो घाट
फोल्डिंग बिछा कर सोए थे, बोल भी नहीं सकते थे। उन्हें कंपनी लेकर पानी लाया, ला कर के खाना बैठा, तो मेरा माँ थी, तीन रोटी और भुजिया उनको खटिया के जो फोल्डिंग खाट के नीचे रखा। तो बोलते बाबा माँ तीन रोटी मत दो, दो दो अथवा चार दो। हम देखा ये कौन भविष्यवाणी किया रे भाई, बाबा तो ऊपर आंख बंद करके सोया, खैर तो तीन का जगह एक और रख दिया। वहाँ से फिर खाना वाना खा के रेडी होके हम निकले लक्ष्मण झूला की तरफ, राम मंदिर। पचन दोपहर से ज़्यादा हो गया था, तो चले हम लोग मोटरी घंटे उठा के। तो बाबा बोलते हैं जाओ रोटी मिल जाएगा। हम लोग ए बाबा मरने का टाइम में वो सठिया गया कुछ आंग बांग बोल रहा, चलो चले। टेम्पू पकड़ा गया ऋषिकेश ब्रिज पार किया जो लक्ष्मण झूला पुल है। उस बार जब गया तो बाचा लोग मेरे साथ में थे, मेरे फादर भी थे, बीमारी से तो क्योर्ड हो गए थे। बच्चा लोग बोल रहा है कि मेरा बेटी थी, मेरा भतीजा था, मेरा और पांच माँ बाप पांच छः आदमी था बच्चा मिलाकर। तो बोलता है लोग अब तो भूख लग गई जोर से, तो पहाड़ी खीरा के ख़रीदा हम, बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा खीरा होता है मोटा मोटा, एक ख़रीदा चार रुपये का, काट करके दिया सब नमक से सब खाए। वहाँ से चले हम लोग, चलो अब एक किलोमीटर गया सब बात चलो जाकर बैठ गया। ओ लक्ष्मण झूला से राम मंदिर जो है लगभग पाँच किलोमीटर चार किलोमीटर होगा शायद। तब वो भूमि वहाँ कोई घर नहीं, कोई एक दो झोपड़ी है बाबाओं का, पूरा बगीचा। तो चलते चलते थोड़ा देर गया तो बादशाह बोलते भाई हम तो चलेगा नहीं, हम पैदल नहीं चल सकेंगे। तो नदी का मैं एक सीढ़ी जैसा बना हुआ था वहीं जाकर बैठ गए। क्या करें, अब आगे भी जा सकता न पीछे जा सकता, भय विधि साफ अच्छी सुंदर केरी, अब क्या करूं। तो और फादर बोले कि जा पानी कहीं से लेके आ, पानी पिलाते हैं लोगों और बताशा है, एक रुखिला पानी पिला देंगे। तो चले गए लोग सीढ़ी ऊपर के ऊपर गया तो एक कुटिया था, कुटिया में एक नल लगा था, एक इनसाइड एक आउटसाइड, और उसके दरमियान वो बांस का फट्टी का घेरा था, बांस का फट्टी का ही दरवाजा था। तो हम सोचा ये तो हम पानी डिपार्टमेंट आदमी में काम करता हूँ, ये सब हमको एक क्या बात, एक पाइप में दो कल और दोनों अलग अलग। खैर बोला बाबू जी ठीक है, अंदर गया मतलब इस पार से उस पार एक फुट का दूरी पानी भरा। तो बाबा छड़ी लेकर लेकर टहलने जा रहे थे, घूम के आए नाटा सा उम्र। हमको ऐसा लगता कि जो रुद्राक्ष मतलब फादर को दिया था उसी शक्ल का, हम दोनों को मेरा जो रुद्राक्ष दिया था गांव में वो तो देखा नहीं था, अंदाज लगाया था हम ठीक वैसे ही। तो बाबा पानी लेके जा निकल रहे थे तो बाबा बोले कि अरे कुछ खाओगे, अरे अंधरा को तो आँखी चाहिए बाबा, कुछ दीजिए है तो। बोले ठीक है जा, बर्तन है क्या? हाँ बर्तन होगा। गया एक बड़ा का बबून है, वो जो बड़ा होता है जिसको क्या बोलते हैं वो बर्तन था गोल, लेकर आया एक थाली लाया। बाबा आते इतना बाबा रूम से कुटिया से इतना मोटा रोटी, इतना थाक, इतना दाल लेकर खड़ा था। दाल वापस मेरा कटोरी में डाला, रोटी थाली में डाला, बाबा को हम डंडोस प्रणाम करा। बाबा चले गए घूम टहलने नाटा सा, पाँच फुट सवा पाँच फुट का बाबा गिरुआ वस्त्र आया। बाजा लो खाया, बहुत संतुष्ट बहुत संतुष्ट। बोला कि ऐसा दाल अरहर का दाल खांटी घी में और रोटी भी खांटी घी का, बड़ा बड़ा रोटी, बड़ी चमत्कारी बात है। खैर खा लिया बच्चा, बोला जहाँ जाना है वहाँ ले चलो, अब हम लोग को चिंता नहीं। वैसे मेरे पास
आचार अगर सब था तो चले हम लोग वहाँ से उठे, तो सब बच्चे लोग और बाकी लोग चलने लगे तो हम पीछे जाकर कुटिया में एक बार देखना चाहा, चारों तरफ घूमा, उसमें तो ठीक से बिछाना भी एक कम्बल, एक लुंगी, एक लंगोटी ना बर्तन, एक प्लेट और एक गिलास। ये ऐसा क्या हो सकता है, ना ताजा था गर्म रोटी लाए बाबा, यहाँ कोई चूल्हा नहीं, कोई चौकी नहीं, कोई बर्तन नहीं। खैर वहाँ से निकला चला राम झूला के लिए चला, तो पहुँचा वहाँ हम लोग लगभग शाम को 7 बजे के आसपास। तपोभूमि पूरा तपोभूमि है, वहाँ जाने का रास्ता वहाँ कोई कहीं कहीं रुद्राक्ष बेचने वाला मिल जाता था। यहाँ हम लोग पूजा किया, हम लोग बाहर बैठ करके माथा नहाता कर सोच रहा था क्या कहमात है। वो बोला बाबा की रोटी मिल जाएगा, यहाँ रोटी मिला है जो विचित्र रोटी दाल, जो कभी हम कलकत्ता में बड़े बड़े होटल में खाया, बड़े शादी ब्याह में खाया, ऐसा तो रोटी कभी मिला नहीं। खैर वहाँ से चले हम लोग टेम्पो करके वापस देहरादून आने के लिए। स्टेशन में जब आया तो पता चला कि वो का ट्रेन चली गई, सुबह में ट्रेन है। वही हम की तरह सुबह काटा और वहाँ से सुबह में हम लोग देहरादून अपना डेरा पर आ गए। अब हमें चिंता सताया जा रहा है हुआ तो कौन सा चमत्कार हुआ, जो रोटी दिया हरिद्वार में और वो वापस रोटी मिला हमको ऋषिकेश एक कुटिया में, जबकि वहाँ कुछ बनाने का साधन नहीं, चारों तरफ पहाड़ नदी, कोई देने वाला भी वहाँ शायद नहीं होगा मेरे ख्याल। पर ये उधर भूल में मैं था एक दिन और बैठा था, तो एक साधु बाबा नहीं थे, वो बुजुर्ग थे गढ़वाली। ये बात हम कर रहे थे, अपना कुछ कलीग था हमारा फादर का उनके साथ में, तो सुन करके आए, उम्रदार थे 70-80 का। वो बोले कि भाई गढ़वाली भाषा में कि आप तो एक दिव्य महात्मा को छोड़ कर आ गए और उसको ये मांगा नहीं, रोटी मिला आपको। बोला क्या ऐसा, बोला कि हाँ कुछ जो मांगता वही मिलता। हमने बाबा हमको तो नॉलेज है, हम दूसरा कि मरने का कागर बाबा है, भटक रहा है इनका आत्मा, प्राण निकलने वाला, इसलिए कुछ बोल रहा है। लग नहीं वो ऐसा बात नहीं है, वो करोड़ों व्यक्तियों में किसी को दर्शन होता है, अब जाकर देखो कोई नहीं मिलेगा वहाँ। हाँ इसी बीच में वो बोले थे कि आप लोग तो आर्मी से संबंधित आदमी लग रहे हैं, तो हमको तिरपाल छोटा देना भेजता हूँ मैं बारिश में। वो तो तिरपाल नहीं दे पाया मैं, क्योंकि हमको आना पड़ा, तो मैं वापस आ गया। आने के बाद मैं इस सबसे शेयर भी मैं नहीं किया हूँ मैं बात, कभी कभी कई खास लोग मिल जाता है, वो 2 साल 1 साल में ये कई साल होने वाला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक 5 मुखी रुद्रा साधु बाबा ने देकर चला गया, कोई भिक्षा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, उसमें इतना चमत्कार, जो मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया, ऑपरेशन 10 में 8 हज़ार में 800 में हुआ, पूरा अपना कार्यकाल समाप्त करके देहरादून से गाँव आ गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग खोजते फिरते हैं एक मुख्य रुद्राज, तो एक मुख्य रुद्राज तो होता ही नहीं है, गोल भी मांगता है। एक तीने था, एक नेपाल के राजा के पास, एक श्रीलंका राजा के पास, एक कोई कलकत्ता में कोई मोहम्मदन के पास, बाकी एक मुखिया था चांद के जैसे, काजों के जैसे, इंडोनेशिया का, और कोई काम का नहीं है। तो भरोसा है, विश्वास है, तो 5 मुखी या 7 मुखी जैसे मैं पहनता हूँ, एक 5 एक 7 हमेशा मेरा रक्षा करता है। कभी हमसे कभी हमें ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आने देता। तो अगर भरोसा है तो एक 5 मुखी गाय पहनिए, 5 रुपया से 10 रुपये दाम है, देखिए आपको कैसा मंगल होता है। हाँ ये नहीं मैं कहूँगा कि सभी को हो जाएगा, सब तरह का तो आदमी होते हैं, किसी को हो भी जाएगा, हो सकता है किसी नहीं हो, लेकिन फेल नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार, मेरा आश्रम का नर्सरी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
ताकि ये घटना सब लोगों को प्राप्त हो और सभी सुखी हो। नमस्कार नमस्कार।